ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण मन के स्थिर होने की बात कह रहे हैं। जब तक मन स्थिर न हुआ तो योग कैसे होगा? जैसे एक दीप शिखा, अगर हवा चल रही हो तो चंचल होती है, हवा न चल रही हो तो स्थिर होती है। उसी तरह मन अगर भोगों की हवा है, चाहिए नहीं चाहिए, पकड़ना छोड़ना, अपेक्षाओं की हवा है, तो मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। और इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उसको चला दिया और मन स्थिर हो गया। कोई भी मैकेनिकल तरीका नहीं है जब तक बुद्धि ठीक तरह से लक्ष्य को प्रायोरिटाइज नहीं करेगी तब तक स्थिरता नहीं आएगी। बुद्धि तो कह रही है कि संसार सत्य है, संसार चाहिए, आँखों के भोग, त्वचा के भोग, जिह्वा के भोग, कानों के, सबके भोग, और ऊपर से तारीफ चाहिए, सिंपैथी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो ये चाहिए की हवा है कि कुछ मिल जाए तो पूर्ति होगी, खुशी होगी, पूर्णता होगी। ये जो भ्रम चलता है मन में, जो बुद्धि में, इसके रहते मन शांत नहीं होता। परम शांत अवेयरनेस, परम आनंदमय अवेयरनेस के ऊपर झाग सी आ जाती है मन की, बुलबुले से बन जाते हैं, चंचलता हो जाती है। तो स्थिरता चाहिए या नहीं चाहिए, ये खुद से पूछें। और ऊपर ऊपर से जवाब देने से नहीं चलेगा। आपका पूरा का पूरा सिस्टम, योर एंटायर बीइंग हैज टू बी इन ट्यून विद द रियलिटी। आप क्या सोचते हैं, क्या ठीक समझते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, पूरा का पूरा हार्मनी में होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की, नहीं तो नहीं होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जरा भर भी इच्छाएं रह जाएंगी तो भी नहीं होगा। मतलब क्या है कि संसार को सत्य माना ही हुआ है, उसमें आप अच्छी इच्छाएं कह लो या बुरी इच्छाएं कह लो, कोई तारीफ चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई ड्रग्स चाहता है, कोई अल्कोहल चाहता है, कोई कॉम्पैशन में फंसा है, कुछ भी, किसी भी तरह की स्फुरणा है और उस स्फुरणा के साथ आ सकती है। उस स्फुरणा को, उस झाग को सत्य मान रहे हैं, उसमें खोए हुए हैं, तो स्थिरता कहाँ? स्थिरता नहीं तो योग कहाँ? ज्ञान योग भी
चलायमान रहेगा, अचल नहीं बनेगा। भक्ति भी हिलती डुलती रहेगी, कभी संसार की भक्ति करेंगे, कभी भगवान की तरफ भी झुकेंगे। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मक्खी गंदगी पर भी बैठती है और कभी मिठाई पर भी बैठती है। तो ये स्थिति चाहिए या स्थिरता चाहिए, परम सुख चाहिए, क्षणिक सुख चाहिए या परम सुख चाहिए। ऐसा नहीं है कि महात्माओं के मनों में कोई बात उठती नहीं है, कभी छोटा मोटा कुछ उठ भी जाए वो एकदम उससे खुद को पीछे कर लेते हैं। श्री रामकृष्ण ही बता रहे हैं, त्याग के लिए मैं अपने में राजसी भाव भरता था, साध हुई थी कि जरी की पोशाक पहनूं, अंगूठी पहनूं, लंबी नली वाले हुक्के में तंबाकू पीऊं। जरी की पोशाक पहन ली, ये लोग यानी रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू आदि ले आए थे। कुछ देर बाद मन ने कहा, यही शॉल है, यही अंगूठी है, यही हुक्के में तंबाकू पीना है, सब बेकार है, सब फेंक दिया। और उसके बाद मन फिर उधर कभी नहीं गया। एक बार कह दिया तो हो गया, ये अति परिपक्व बुद्धि है। वो तो खुद भगवान है, हमको सिखाने के लिए कर रहे हैं, पर राइपनेस का यही निशान है, यही लक्षण है कि समझ आ गई, छोड़ दिया। उसके बाद मन कभी उधर गया ही नहीं। जब परिपक्वता नहीं होती है तो मन फिर खींचता है, पहन ही लेते हैं, हुक्का पी ही लेते हैं, क्या जा रहा है, इससे कुछ नहीं होता। मन हजार तरह की एक्सक्यूजेस बहाने बनाता है, फिर खींचता है। क्योंकि जब बाह्य दृष्टि होती है, मन बहिर्गामी होता है, तो वो उस बहिर्गामिता में, उस झाग में बहुत खोया होता है। उसको ये समझ ही नहीं होती कि ये बुलबुले मात्र हैं, झाग मात्र है, सत्य तो स्रोत है और वो स्रोत और मैं एक हैं। ये समझ ही नहीं आ सकती कि पाने से कुछ भी, करने से कुछ भी, जानने से कुछ भी, कुछ नहीं होता है। ये केवल खुजली है जो मिटानी है। अंत में तो पूर्णता चाहिए, और पूर्णता विचारों के रहते, अस्थिर मन के रहते मिलती नहीं है कभी भी। केवल स्थिर मन, स्थिर बुद्धि हो, तभी आत्मानुभव होता है, ब्लिसफुल अवेयरनेस, सच्चिदानंद घन, परमात्मा के साथ मिलन होता है, एकाकार होता है, अनुभव होता है, और समझ आता है कि बस यहीं पर पूर्णता है, यहीं पर आनंद है, बाकी सब बेकार है, तुच्छ है, काकविष्ठा है। भगवान हमारी बुद्धि स्थिर करें, मन स्थिर करें, हम पर कृपा करें। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ही ओम तत्सत।